सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म मैदान की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। जी हाँ, खबरों की माने तो अजय देवगन की ये फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन सारे बड़े क्रिटिक्स ने इस खबर को कवर किया है कि मैदान फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। और अगर सच में ये फिल्म ईद पर आती है तो भाई इस साल ईद के मौके पर अजय देवगन और अक्षय कुमार आमने सामने नजर आएंगे। जहां अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के बड़े मियां छोटे मियां, वहीं अजय देवगन के मैदान एक साथ ईद के मौके पर रिलीज होगी। पिछले 15 सालों में अक्षय कुमार और अजय देवगन 4 बार बॉक्स ऑफिस पर टकरा चुके हैं। 2 बार अजय देवगन ने बाजी मारी है और 2 बार अक्षय कुमार ने। तो अब देखते हैं इस बार बड़े मियां छोटे मियां और मैदान फिल्म के साथ क्या होता है। देखो, बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन ड्रामा फिल्म है तो ये फिल्म मैदान से ज्यादा ओपनिंग करेगी, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन किसका ज्यादा होगा तो वो फिल्म की कहानी और वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगा कि किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं आप सब जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से किस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन ज्यादा होगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आमिर खान अपने अगले फिल्म की शूटिंग फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। ये वही फिल्म है जिसे 2018 में आई स्पेनिश फिल्म चैंपियन से रिमेक किया जाएगा। पहले तो आमिर खान इस फिल्म में किसी और एक्टर को लेना चाहते थे, लेकिन जब सारे एक्टर ने उन्हें मना कर दिया तो फिर आमिर खान ने खुद ही इस फिल्म को करने का सोचा। तब आमिर खान चैंपियंस की रिमेक में लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल सितारे जमीन पर होगा, जिसे आरएस प्रसन्ना डायरेक्ट करेंगे। सच कहूं तो मुझे इस फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना ही तो आजकल ड्रामा फिल्में चल रही हैं और ना ही रिमेक फिल्में चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आमिर खान की इस रिमेक फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और खबरों की माने तो कमल हसन की मच अवेटेड फिल्म इंडियन 2 तमिल न्यू ईयर यानी कि 14 अप्रैल को रिलीज होगी। जैसा कि इंडियन 2 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है तो अब इसके मेकर्स इसके रिलीज डेट का प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में इंडियन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। देखते हैं इंडियन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। लूसीफर 2 इम्पुरान का यूके शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को इम्पुरान के सेट पर देख सकते हैं। यूके शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और अब बहुत जल्द इसके अगले शेड्यूल की शूटिंग यूएसए में स्टार्ट होगी। खबरों की माने तो इम्पुरान फिल्म में एसजे सूर्या भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इम्पुरान की शूटिंग समर तक कंप्लीट होगी और ये फिल्म 2024 एंड या फिर 2025 के शुरू में रिलीज होगी। रणबीर कपूर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल की ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। एनिमल दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। तो अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जिसे आप 26 मई से नेटफ्लिक्स पर हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। थिएटर में एनिमल का रन टाइम 3 घंटे 21 मिनट का था, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म 3.5 घंटे की होगी, क्योंकि इसमें करीब 9 मिनट का सीन और एड किया गया है। जी हाँ, तो देखते हैं इस 9 मिनट में कौन कौन सा सीन होता है। कल टोविन थॉमस के जन्मदिन पर उनके अपकमिंग फैंटेसी एडवेंचर फिल्म अजयंते रेंदम मुशानम का एक स्पेशल पोस्टर रिलीज किया गया है। यहां पर आप टोविन थॉमस को 3 अलग अलग लुक में देख सकते हैं। दरअसल इस फिल्म की कहानी 3 अलग अलग टाइम में सेट होगी, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे 3 पीढ़ियां एक खजाने की रक्षा करती हैं। टोविन थॉमस इस फिल्म के लीड रोल में होंगे, जो यहां पर तीनों करेक्टर में नजर आएंगे। साथ ही कीर्ति सेट्टी और इसरो राजेश भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म इसी साल 3D में टोटल 6 भाषाओं में रिलीज होगी। और खबरों की माने तो रियान गोसलिंग एमसीयू की फिल्मों में नोवा के करेक्टर में नजर आएंगे। नोवा मार्वल का काफी पावरफुल करेक्टर है, जिसमें हमें अलग अलग तरह की पावर देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियो इन दिनों रियान गोसलिंग से नोवा के करेक्टर के लिए बात कर रहा है। अगर बात आगे बढ़ती है तो हम एमसीयू की आने वाली फिल्मों में रियान गोसलिंग को नोवा के रोल में देखने वाले हैं। देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। 2023 में रिलीज हुई एमसी सुपर हीरो फिल्म दी मार्वल्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। दी मार्वल्स नवंबर 2023 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अब ये फिल्म एप्पल टीवी प्लस और आईट्यून्स पर आ गई है, जिसे आप अभी बाय और रेंट पर देख सकते हैं। इस फिल्म को हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है। 2023 की मॉन्स्टर ड्रामा सीरीज मोनार्च लेजेसी ऑफ मॉन्स्टर्स को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। मोनार्च लेजेसी ऑफ मॉन्स्टर्स 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। अभी सीरीज को IMDb पर 7% की रेटिंग मिली है। तो 10 एपिसोड की ये सीरीज अब हिंदी डब में आ गई है, जिसे आप अभी Apple TV Plus पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और साथ ही प्राइम वीडियो की स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज रीचर सीजन 2 के सारे एपिसोड अब प्राइम वीडियो पर आ गए हैं। सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में अवेलेबल है, तो आप रीचर सीजन 2 के सारे एपिसोड को देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो रीचर सीजन 2 आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।